नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं इसमें इस पिस्टन बार बार सीज हो रहा है। एक दो बार ये कुछ दूसरे लोगों ने भी बांधा, हमने भी आज पहली बार आए हैं इसे देखने, इसीलिए हम बुलाए गए कि बार बार पिस्टन इसका सीज हो रहा है। रिंग आपस में चिपक रही हैं, इसका थोड़ा पहिया भी टाइट हो रहा है। स्टार्टिंग करने में भी दिक्कत हो जाती है, कभी कभी पहिया बिल्कुल जाम हो जाता है। व्हील इसका थोड़ा सहारा लगाने से घूमता है। ये उषा कॉमेट का है, देख सकते हैं आप। ये उषा 5 HP का है, थोड़ा चल चुका है। इसमें लाइनर पिस्टन भी किसी दूसरे कारीगर ने नया डाला था, मगर इसका ये लाइनर पिस्टन बराबर सीज हो रहा है। 2-3 घंटे में ये इसका हो रहा है। तो चलो मैंने खोल लिया है, आप देख सकते हैं इसमें रिंग कितना आपस में चिपक गए हैं। आपस में रिंग, ये देखो रिंग के कट देख सकते हैं आपस में, उनके मुंह आपस में मिले हैं। तो बार बार पिस्टन इसका जाम हो रहा है। तो इसमें आपको ये अभी देख रहे हैं, इसमें घटिया किस्म का मोबिल भी हो सकता है, ऑयल जिसे कहते हैं। लाइनर पिस्टन में इसमें नया डाला गया है, इसमें हम कमी नहीं निकाल सकते क्योंकि ये 1-2 महीने का ही पड़ा हुआ है। तो ये तो नया है, हमने तो पहले लाइनर पिस्टन का ही सोच रखा था। हेड भी कुछ हद तक सही है, आप इसमें देख सकते हैं रिंग कितना जाम है, कितना चिपक गई है आपस में। ये देखो कर देख सकते हैं आप, ये देखो सारे रिंगों के कट चपके हुए हैं। ये ब्रश में भी साइड नहीं, सीआर ब्रश में साइड, ये एक साइड में ज़्यादा रगड़ लगा रहा है। इसमें आप देख सकते हैं मैंने कुछ इसमें कनेक्टिव रॉड में कुछ कमी निकाली है। ये हमें हल्का इधर उधर लिफ्ट राइट को लचा हुआ महसूस हो रहा है, ये भी कमी हो सकती है। और अब मेरा आगे भी देखिए, और ये और अन्य भी कमी हो सकती हैं। तो चलो देखते हैं। हमने देखा कि इसमें कनेक्टिव रॉड टेढ़ा हमने निकाला है, इसकी भी समस्या हो सकती है, और इसमें ऑयल की भी कुछ दिक्कतें आ जाती हैं। ऑयल अच्छा क्वालिटी का नहीं होता है, और इसमें अगर पानी नहीं, अगर इसमें किसी अचानक चलते चलते इसमें पानी नहीं इसे इस इंजन को मिल पाता है, तब भी ये समस्या आ जाती है। तो बहुत सारी इसमें समस्याएं हैं पिस्टन सीज होने की। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कनेक्टिव रॉड इसमें निकाला है, इसमें अब इसको यूज करके देखें, उसके बाद में इसका नेक्स्ट वीडियो आगे का बनाने का मैं प्रयास करूँगा। तो चैनल पे अगर वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।